स्नोलाइन यानी बर्फानी क्षेत्र में अब ट्रैप कैमरे बर्फानी तेंदुओं की मौजूदगी पर नजर रखेंगे। वाइल्ड लाइफ स्नोलाइन में ट्रैप कैमरे लगाने जा रहा है। इससे पता लगाया जा सकेगा कि कहां कहां बर्फानी तेंदुए रहते हैं। यही नहीं, भालू समेत अन्य जानवरों की वर्तमान क्या स्थिति है ये भी साफ हो सकेगी। गौरतलब है कि वन्य प्राणी विभाग के उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के तहत जिला कांगड़ा में धौलाधाल सेंचुरी क्षेत्र और जिला चंबा के तहत कुगती तुद्दा सेचितवान समेत कई ऐसे स्थान हैं जहां बर्फानी तेंदुए होने की विभाग के विशेषज्ञ अधिकारियों को उम्मीद है। इसके अलावा भालू समेत ऐसे जंगली जानवर जो कि अधिकतर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं की भी ट्रैप कैमरों से स्थिति जानी जा सकती है। विशेषज्ञ अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही उपरोक्त स्नोलाइन में ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। स्नोलाइन में योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कैमरे लगाए जाने की योजना है। इसके लिए देहरादून में विशेषज्ञ अधिकारी प्रशिक्षण लेंगे और उनके प्रशिक्षित होने के बाद ही इस दिशा में कार्य आगे बढ़ेगा। कांगड़ा के धौलाधार समेत चंबा के कई क्षेत्रों में बर्फानी तेंदुओं के होने की उम्मीद है। वहीं अन्य जानवरों की स्थिति भी साफ हो पाएगी। मुख्य अरण्यपाल उत्तरी क्षेत्र ओपी सोलंकी ने बताया कि ट्रैप कैमरे ऐसे स्थानों में लगाए जाते हैं जहां पर मनुष्यों की आवाजाही बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। इसकी वजह यह भी है कि जिन क्षेत्रों में मनुष्यों की आवाजाही रहती है उन क्षेत्रों में जंगली जानवरों की आवाजाही ना के बराबर होती है। इस तरह काम करते हैं ट्रैप कैमरे। जिन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं उस क्षेत्र में से जो भी गुजरता है उसका फोटो आ जाता है। इन फोटों के आधार पर संबंधित जंगली जानवर की स्थिति का पता चल पाता है कि वे कितनी संख्या में उस क्षेत्र में मौजूद हैं। जैसा कि हमारा वाइल्ड लाइफ नॉर्थ जोन धर्मशाला जिसमें 7 सेंचुरी जिस टाइम आती हैं, जिसमें से 2 सेंचुरी जो है कांगड़ा की हैं, और कांगड़ा वाली सेंचुरी में जो हमारा बर्फानी तेंदुए का जहां तक हम बात करते हैं ये अपना धौलाधार सेंचुरी है, इसमें ये पाया जाता है। इसी तरह चंबा डिस्ट्रिक्ट में कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गमगुल सिया भेई सेंचुरी है, सेचुतवान सेंचुरी है। इन सेंचुरीज में बर्फानी तेंदुए की प्रेजेंस है। इसको हम साइंटिफिक वे में दिखा सकें इसके लिए हम आने वाले टाइम में ट्रैप कैमरा का प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रयोग के लिए जो कि जरूरी ट्रेनिंग हमारी स्टाफ की है, चाहे वो स्किल अपग्रेडेशन की है कि किस ढंग से इसमें टेक्निकली डेटा कलेक्ट करना है साइंटिफिकली, तो वो सारी ट्रेनिंग हम अपने स्टाफ को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की एक्सपर्ट को लेते हुए उनसे ट्रेनिंग दिलवाएंगे और ये काम करने जा रहे हैं ताकि हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनमें तेंदुआ पाया जाता है उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। तो ये हम आने वाले टाइम में करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।